नमस्कार, आप देख रहे हैं के एम यू टीवी चैनल। हम आज बात करेंगे भरत भाई की, जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत सारी गरीब लोगों को खाना खिलाया है। तो आज हम आए हैं धर्मपुर के अटकपादी में, जहां भरत भाई ने एक नया तरीका अपनाया है। वो तरीका क्या है तो हम ये भरत भाई से ही जानते हैं। नमस्कार सर। सर, आपने जो नया तरीका अपनाया है वो क्या है? नया तरीका है कि ये पार्सल सिस्टम चालू किया है। अलग अलग विस्तार में ये लहरी लगेगी और अलग उसको वहाँ जिसको भी खाने की ज़रूरत होगी वहाँ पार्सल लेके गरीब लोग को भोजन पहुँचाने का नया तरीका चालू किया है। ये जो आपने लारी की व्यवस्था की है वो कितनी लारी है और वलसाड़ जिला में कहाँ कहाँ पे रखी जाएगी? ये 30 लारी है। वलसाड़ जिला में सिविल हॉस्पिटल के आजू बाजू है, कस्तूरबा हॉस्पिटल, भागड़ावाला विस्तार और ये मुल्ला चौकड़ी, मोगरावाड़ी, धोबी तलाव, हाउसिंग सब पहाड़ी अतुल, पूरे वलसाड़ जिले में अलग अलग विस्तारों में लारी लगेगी जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मजदूर वर्ग और मीडियम वर्ग के लिए 20 रुपये में भरपूर खाना, दाल भात, साग, पूरी और सास लोगों को देने का है। आपने जो ये गरीब लोगों को जो खाना खिलाना है वो अभी तक सेवा चालू है या बंद कर दी है? नहीं, वो सेवा चालू ही है, अभी तक बंद किया ही नहीं। बस ये परिणाम मिले कि मध्यम वर्ग को ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए ये पार्सल सिस्टम चालू किया है। लहरी रखेंगे, जिसको भी जरूरत है आके पार्सल लेके ले जाएगा लहरी को। सर, आपने जो नया तरीका अपनाया है इनमें आपकी संस्था में कौन कौन जुड़े हैं आपके साथ? मेरी संस्था में तो मैं अकेला हूँ और मेरी माताजी की दिया है, माताजी बोला करने का तो कर लेगा। तो ये खाना कहाँ बनेगा और कहाँ से वहाँ लारी तक पहुँचाया जाएगा? ये अपना अटकपाड़ी नेहरफलिया है, जो मैं वहाँ जा रहता हूँ वहाँ हम लोग बनाएंगे। बस ये वो लहरी पे अपना टेम्पा लेके अपने सेवक लोग सब मिल के वहाँ पहुँचा देंगे। वहाँ जो भी लोग वहाँ सेवा में रहेंगे सबको पगार भी देने का नक्की किया है। सर, ये 20 रुपये वाली स्कीम जो आपने निकाली है वो कब तक चलाएंगे आप? मेरा तो ऐसा है कि जब तक जिंदा रहूँ तब तक ये गरीब लोग को खिलाओ, वैसी तो मेरी महाकाली की जो इच्छा होगी ऐसा होगा। सर, आपने जो ये चालू किया है तो आप जो भी संस्था है जिन्होंने अपनी सेवा दी है लॉकडाउन में गरीब लोगों को, तो उनको क्या कहना चाहता है कि वो भी इस तरह की सेवा करें तो और भी गरीब लोगों को मदद मिल सकती है? मेरी तो ऐसी प्रेरणा है, जितनी भी वलसाड़ में संस्था है जो ऐसा कार्य करे तो अपने गरीब लोग, अपने मध्यम लोग के वर्ग, वलसाड़ के गरीब मजदूर वर्ग को पूरे पूरा हेल्प मिले, सहकार मिले, तो ये पूरी परिस्थिति जो कोरोना परिस्थिति आई है तो उसका सामना कर सके और अपने वलसाड़ की पब्लिक शांति से खाना खा के शांति से रह सके। भरत भाई ने जो ये नया तरीका अपनाया उससे गरीब मध्यम वर्ग लोगों को भी 20 रुपये में पेट भर के खाना मिलेगा और कई संस्थाएं उनको भी ऐसा करना चाहिए ताकि जितने भी गरीब लोग वो सस्ते में भरपेट खाना खा सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें के एम यू टीवी चैनल। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा मैन राजेश चौबे के साथ मैं रीता पटेल गुजरात कलसा से।